ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا نبينا ولنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفينا نبينا ولنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ولنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملكك وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون وعدد ما تحبه وتضاه وعدد ما يحبك ويرضاك وعدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين سامعين الكرام پچھلی چند نشستوں سے سترہویں پارے میں سورۃ الانبیاء کے آخری حصے کی اس آیت شریفہ سے متعلق آپ کی خدمت میں معروضہ جات پیش کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ المستعان آج پھر اسی موضوع کو سرنامہ سخن بناتے ہوئے سلسلے کلام جاری رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اپنے محبوب بندوں کی اختیار و تصرف کا ذکر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ بلا شبہ تحقیق ہم نے نصیحت و معزت کے بعد زبور میں یہ نازل فرمایا بے شک زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے عبادی الصالحون عبادی مرکب اضافی ہے یہ یا اضافت کی ہے اس میں عباد جمع ہے عبد کی اور عبد کے معنی ہے بندہ اور دوسرے معنی ہے عبد کے غلام عربی میں لفظ عبد بندہ اور غلام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو عبد کی جمع ہے عباد عباد یا صالحون میرے نیک بندے عبد کی قسمیں ہیں عبد عابق عبد رقیق عبد معذور عبد عابق ایسے غلام کو کہتے ہیں جو مالک کا نافرمان ہو اور عبد رقیق ایسے غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کا فرما بردار اور عبد معزون یہ وہ غلام ہے جو مالک کا پسندیدہ غلام ہے نہ صرف فرما بردار ہے بلکہ مالک نے اپنی ملک میں اس کو تصرف کا اختیار دیا
जैसे एक ताजिर है, कपड़े की तजारत है उसकी, उसने अपने खादिम को, गुलाम को वो कपड़ा हवाले किया, कहा ले जाओ बाजार में बेच के आओ। पूछा हुजूर किसको बेचूं? कहा जिसे तुम चाहो। कहा कितने में बेचूं? कहा जितने में तुम चाहो। बल्कि कभी ऐसा भी होता है कि मालिक ने कहा कि मैंने ये कपड़ा तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी मर्जी। तो मालिक ने इख्तियार दे दिया कि मैंने तुम्हें दिया, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे बेचो या जिसको तुम चाहो दे दो। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें दिया, अब ये तुम्हारा इख्तियार है कि तुम जिसे चाहे दे लो, चाहे माल की रकम लेके दो, कीमत लेके दो, या जिसे चाहे यूं ही दे दो। मुफस्सिरीन ने अब्द माजून की यह तारीफ बताई। माजून बना है इज़्न से, इज़्न के माना है इजाजत, माजून इजाजत याफ्ता। कुरान करीम में यहां जो लफ्ज इबाद अब्द की जमा इस्तेमाल हुआ है तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यहां इबाद से मुराद इबाद माजूनीन है, अल्लाह के वो बंदे जिनको अल्लाह ने अपने करम से कुछ नेमतें अता की और उनको इख्तियार दिया, चाहे अपने लिए बरते, चाहे अपने लिए तसर्रुफ करें, चाहे किसी और को दे दे, अल्लाह ने उनको इसकी इजाजत दे रखी है। तो अब यह आयत शरीफा साहेब रूहुल बयान शरीफ अल्लामा इस्माइल हक्की, जो अहले सौफ में, सूफिया में बहुत ऊंचे मकाम के सूफी बुजुर्ग और दुनिया जिनकी तफसीर को मानती है, उन्होंने लिखा कि यहाँ इबादियत सालेहून जो अल्लाह ने फरमाया है तो वो अल्लाह के वो पाकबाज बंदे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी खुदा की अहकाम और तालीमात पर अमल पैराई में काट दी, उसके सिले के तौर पर मौला ताला उनको ये इख्तियार सौंप रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो, ये मेरी कायनात है, ये मेरी बनाई हुई दुनिया है, तुमने मेरे अहकाम की ताबेदारी में सारी ज़िंदगी काटी है, लिहाजा इसके जज़ा, इसके बदले, इसके सिले के तौर पर इस दुनिया में ये इनाम तुम पर होगा, वहाँ तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जज़ा है, इस दुनिया में यह इनाम होगा कि मिल्क मेरी, मालिक मैं, लेकिन तसर्रुफ का इख्तियार तुमको, चीज तो मेरी है लेकिन मैंने तुम्हें इख्तियार दे दिया है, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी है, मैं मालिक हूं सारी कायनात का, इस दुनिया का खालिक मैं हूं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जिसको चाहूं मालिक बना दूं, खालिक मैं हूं, मैंने बनाया है, अब अपनी मर्जी से जिसको चाहे मालिक बना दूं। तो कुरान की यह आयत का लबुल लहजा है अन्नल अर्दा यरीसुहा इबादी सालिहून। अर्ज, अर्ज से मुराद सिर्फ जमीन नहीं है, सारे ही मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफिक है कि यहां अर्ज से मुराद सारी दुनिया है। तो अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के इताद गुजार बंदे हैं, महबूब बंदे हैं, मुकर्रबीन हैं, अल्लाह ताला उनको जमीन का, दुनिया का वारिस बनाता है और उनके इख्तियारात में ये सब तसर्रुफात दिए जाते हैं कि दुनिया की जिस चीज को जैसा जब चाहें इस्तेमाल करें।
और इसकी ताईद में 24वें पारे की वो आयतें हैं, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, परवरदिगार के वो बंदे जिन्होंने अपने रब को रब माना और उसके अहकाम की पाबंदी की और उस पर मजबूती से डटे रहे, जमे रहे, इस्तकामत इख्तियार की, सिर्फ एक दफा अमल करके छोड़ देना नहीं बल्कि नेकियों पर कायम रहना, इस्तकामत इख्तियार करना, मुदावमत हमेशगी। तो अल्लाह फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, सुनो ए इंसानों तुम भी हो और ये भी हैं, ये हमारे चाहने वाले ऐसे हैं कि इनसे मिलने के लिए सुबह मसा हर लेलो नहार हर सुबह और शाम फरिश्ते आया करते हैं इनके पास। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू, और ये कुछ खबरी उन्हें दी गई है कि अब वो न खौफ खाएं न रंजिदा हो। सिर्फ यही नहीं कि खौफ रंजो महन से उन्हें आज़ाद किया जाता है बल्कि ये फरमाया जाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए हर वो चीज़ है जो तुम चाहो जो तुम मांगो हम तुम्हें देंगे। तो कुरान इस बात की दलील पेश फरमा रहा है कि जो अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं उनको ऐसे तसरुफात दिए जाते हैं कि न सिर्फ फरिश्तों का उनके पास नुज़ूल होता है बल्कि अल्लाह ताला दुनिया और माफिया से उन्हें बेखौफ कर देता है। अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें डरा नहीं सकती। कुरान कहता है अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और जन्नत की बशारत तुम्हें दी जाती है। और फिर आगे कुरान कहता है नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, हम हैं तुम्हारे दोस्त इस दुनिया में और उस दुनिया में, वलकुम फीहा यहां और वहां मा तश्तही अंफुसुकुम जो तुम चाहो हम तुम्हें देते हैं, चाहे इस दुनिया की चीज हो कि उस दुनिया की चीज हो, तुम हमसे तलब करो हम तुम्हें दिए जाते हैं, अल्लाह का वादा है। पता चला कि वो महबूबान हक जिन्होंने सारी जिंदगी अहकाम इलाही के ताबे काट दी, तो अल्लाह ताला उनको ये खुशखबरी देते हैं कि इस दुनिया की मांगो कि उस दुनिया की मांगो। मैं इसलिए वजाहत के साथ कह रहा हूं, बाज लोगों का ख्याल है कि यहां दुनियावी उमूर में किसी से भी मदद तलब की जा सकती, लेकिन उखरवी मामलात में तलब नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है दुनिया में तो एक दूसरे से मदद मांगना ही पड़ता, वहां नहीं मांगना है, ये कहां से निकाले भाई? पहले तो ये था कि हम मदद मांगते ही नहीं, ठीक है भाई मत मांगो, किसी से मत मांगो मदद। अल्लाह के वलियों से मदद मांगने से इनकार करने वालों को हमने देखा कि गैर मुस्लिम काफिर डॉक्टरों के पास जाके मदद मांगते हैं, डॉक्टर साहब बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, डॉक्टर साहब बस ऐसा करो कल एग्जाम है बच्चे का, एग्जाम लिखना बच्चा, डॉक्टर साहब खुदा है क्या करते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कल सफर में जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब बस कल से ऐसा दिल को धड़का है, ऐसी तबीयत खराब है, कुछ ऐसी दवा दे दो कल सफर पे चले जाऊं। डॉक्टर साहब की दवा शिफा देती? अरे डॉक्टर दवा देता, शिफा तो सबका हकीम देता है। वहां जाते को नहीं सोचते कि हम एक गैर मुस्लिम काफिर से मदद मांग रहे, सब दिखते हैं वहां सब, इधर के उधर के उधर के इधर के सब, जब ख्याल नहीं आता आप पूछो, नहीं वो ऐसा है दुनिया के मामलात में तो चलता ना भाई, अब घर में बीवी बच्चों से मदद नहीं मांगते, ऑफिस में अपने सबऑर्डिनेट से सुप्रीम ऑर्डिनेट से जैसा मौका मिला मदद मांगने पड़, दीनी मामलात में मदद नहीं मांगना। अरे बेवकूफ, दुनियावी मामलात तो ऐसे हैं कि किसी तरह निकल ही जाते हैं, असल तो दीन की बात है, असल तो दीन की बात है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हाँ मैंने बारहा अर्ज किया है, ये वो हस्ती है जो ऐसे मुहद्दिस है कि इनका फैजान अरब और अजब दोनों में मसावी तौर पर है, हिंदुस्तान में इल्म हदीस की इन्होंने जितनी खिदमत की है किसी और का नाम इस पाये से नहीं मिलता, सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं है
अहले अरब में भी बड़े बड़े उलमा ने इनसे तहसील इल्म किया और इन्होंने अपने इल्म से उन्हें बहरावर किया। मानते वो भी है, इस हस्ती को मानते वो भी है। उन्होंने अपनी मशहूर किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में लिखा, सूरह कद्र की तफसीर में, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। बस महबूबा ने खुदा ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला गुरोहे मलाइका के साथ जमीन पर नुज़ूल का इख्तियार देता है और बंदगाने खुदा की उनके जरिए फरियाद रसी होती है, वो अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं। हदीस शरीफ़ में तो बहुत सी दलायल है, लेकिन जो तसव्वुर है इस्तेआनत का, जहाँ इनके समझ में आती है जायज, जहाँ इनके समझ में ना आए नाजायज। मैं तो मानो या ना मानो, अल्लाह ने यह निज़ाम कायम किया है। यह निज़ाम आप उमूर दुनिया को देखें, दुनिया असबाब की दुनिया है, आलम खलकई, हर चीज सबब चाहती है। बारिश अल्लाह के हुक्म से होती है, लेकिन आपको मालूम है इस बारिश के बरसाने के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का यह काम है कि वो बादलों को हांक कर इकट्ठा करें, और बादल आ जाने से बारिश नहीं होती। कितने मरतबे हमने देखा बादल घिर के आए, बदलियां छाई, फिर छट गई, एक बूंद भी नहीं आई। जब तक उधर से हुक्म नहीं होता बादल नहीं बरसते। हर चीज उसकी मर्जी के ताबे है, लेकिन उसने एक निजाम बनाया है और सबब के बगैर कुछ नहीं है। वो चाहे तो बगैर बादल के भी बारिश बरसा दे, वो चाहे तो, मगर नहीं होता ऐसा। क्यों? ये आदत इलाही है, ये आदत इलाही है। बारिश के होने के लिए बादल का आना लाजिम, वो चाहे तो बगैर सूरज के भी तमादत और हरारत दे, मगर ऐसा नहीं होता। सूरज को बनाया दुनिया में जिंदगी कायम रखने के लिए, ये हरारत और गर्मी ही से जिंदगी है, एक निजाम है, एक फरिश्ता मुकर्रर है, बादलों को इकट्ठा करता है, उसके बाद बारिश बरसाई जाती है। तो अल्लाह का निजाम है, उमूरे कायनात के लिए अल्लाह ने एक निजाम कायम फरमा रखा है। बीज बोए बगैर पौधा उगता नहीं, उगता बगैर बीज के कोई पौधा उगता है नहीं, उगता है। और जो बीज बोया जाता है उसी का पौधा उगता है। जाम का बीज बोए आप तो आम का दरख्त नहीं आएगा बाहर, इमली का दरख्त नहीं आएगा बाहर, जो बीज आप बोएंगे। अब तो साइंस ने बहुत आसान कर दिया इन मसाइल को समझना। जो लोग साइंस में डीएनए पढ़े हों, टिश्यू कल्चर पढ़े हों, वो समझते कि बीज क्या है, और फिक्र करो तो समझ में आती बात। इतना सा, इतने के अंदर कितना बड़ा दरख्त छुपा हुआ है। जाम का बीज कितना होता है, इतना पौधा आता है, पौधा तना और दरख्त बनता है, फिर उस दरख्त को सैकड़ों फल लगते हैं, फिर हर फल में जो बीज बोया गया था उस जैसे सैकड़ों बीज होते हैं। ये कहां से आए, कहां से आए, और फिक्र करो। अब साइंस ने मरहले को आसान कर दिया। हमने जब रिसर्च हो रहा था तो टिश्यू कल्चर समझाया गया, कहा बीज तो बहुत बड़ी बात, एक बीज इट इज ए कंपोजिशन ऑफ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, बहुत है। एक सेल, एक सेल, एक खुलिया ले लिया जाए पौधे से तो फिर उससे दरख्त बनाया जा सकता है। बीज की भी जरूरत नहीं है, एक
شو، تو شو کلدر نام ہے اس کا. غرض یہ کہ میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے لیے کچھ اسباب اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں. جب جسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں تو ہم جسمانی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کارڈیا ایک پرابلم ہے، دل کا مرض ہے. آپ کو دل کا مرض ہے تو آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس نہیں جاتے، اور وہ آپ کی مدد کر بھی نہیں سکتا. اگر آپ چلے بھی جائیں تو بولے گا کہ بھائی ہڈی کا کچھ ہے تو بولو، میں آرتھوپیڈک کا آدمی ہوں، یہ کیس کارڈیا ایک ہے، قلب کا ہے، فلاں کارڈیولوجسٹ کے پاس جاؤ. آنکھوں کا مرض ہے، آپتھلمولوجی. اب اگر آپ کسی کارڈیولوجسٹ کے لیے جائیں گے تو وہ معافی چاہے گا، بولا بھائی میں دل کے امراض کا ماہر ہوں، یہ آنکھوں کے امراض سے میرا تعلق نہیں ہے، آپتھلمسٹ کے پاس جائیے. ایک نظام ہے پورا. وہاں جاتے وقت کبھی نہیں سوچتے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، نہیں سوچتے، کبھی نہیں سوچتے. بے دھڑک یہ دیکھے بغیر چلے جاتے، صاحب ایمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، عیسائی ہے، کون ہے، نہیں دیکھتے. مرض آیا، ماہر کے پاس چلے، معالج کے پاس. جس طرح جسمانی امراض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کے لیے یہ اسباب بنائے، علوم پیدا فرمائے، پھر ان علوم کے ماہرین پیدا فرمائے، اور ان ماہرین کے ذریعے اپنے بندوں کی وہ مدد فرماتا ہے. مستعان حقیقی وہی ہے. کسی ڈاکٹر میں آپ کو شفا دینے کی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر کسی کی موت کو زندگی سے بدل سکتا. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ڈاکٹر نہیں مرتے. اگر ایسا ہوتا تو کسی ڈاکٹر حکیم وید کو موت نہیں آتی. معلوم ہوا یہ سب اس کا کھیل، دوا انہیں دیتا، شفا انہیں دیتا. کوئی ڈاکٹر کسی کو دوا نہیں دیتا، اور جب وہ چاہتا تو دوا شفا کا نہیں زہر کا کام کرتی، اور جب وہ چاہتا تو زہر ہلاکت کے کام نہیں آتی بلکہ شفا کا کام کرتی. اس کے اختیار میں ہے سب. امراض جسمانی کے ازالے کے لیے تو طبیب کے پاس جاتے، ڈاکٹر کرے جاتے، حکیم کے پاس جاتے، وید کرے جاتے، ہومیوپیتھی والا اس کے پاس چلے، ایلوپیتھی والا اس کے پاس چلے، یونانی میڈیسن والا اس کے پاس چلے. اب تو بہت سے اور طریقے بھی آ گئے ہیں علاج کے، ریفلیکسولوجی آ گیا ہے، ایکیوپریشر آ گیا ہے، ایکیوپنکچر آ گیا ہے، بغیر دوا کے علاج ہو رہا ہے. سر میں درد ہے، یہ انگلی یہاں سے دوائیے، سر کا درد چلے جائے گا. پیٹ میں درد ہے، پاؤں کی یہ دوسری انگلی کی یہ ٹپ دبائیے، چلے جاتا ہے. سائنس ہے، تحقیقات کی کہ کہاں سے. دیکھیے اس کو سمجھنے کی ایک آسان بات بتاؤں، کچھ شدھ بدھ بھائی بھی اس فن کو جانتا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں. آپ سوچیں گے کہ بھائی سر میں درد ہے یا انگلی دبا رہے تھے، سر کا درد کیسے جاتا. حتیٰ کہ قلب کا درد بھی، دل کے درد کے لیے بھی بعض نرو پوائنٹس ہے، ان پہ پریشر اپلائی کیجئے، دل کا درد چلے جاتا ہے. آپ پوچھیں کہ کیسا ہوتا صاحب، دل تو یہ ہے، نرو پوائنٹ یہاں کیسا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے پنکھا یہاں ہے، سوئچ وہاں ہے. پنکھا یہاں ہے، وہ جا کے سوئچ کھولو یا پنکھا چلتا. ٹیوب یہاں ہے، اس کا سوئچ وہاں ہے. اللہ نے یہ آپ کے ہاتھ اور دونوں پاؤں میں آپ کی صحت کے سوئچس رکھے. جو لوگ فن جانتے ہیں، میں یہاں کوئی میڈیکل گراؤنڈز پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن سمجھنے کے لیے ہے باتیں. تو جسمانی امراض کے لیے تو ہم اطباء سے رجوع ہوتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ جسم مریض ہوتا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ جسم کی بیماریوں کے قائل بھی ہیں، اور جسم جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے معالجین، علاج کرنے والے طبی ڈاکٹر کے پاس رجوع بھی ہوتے، تب شرک نظر نہیں آتا. مرض کس نے دیا؟ اس نے دیا.
उससे हट के दूसरे के पास क्यों जा रहा है? मत जा, जिसने मर्ज दिया है उसी से शिफा मांग। जब नहीं वैसा है वो सबब है, ये सबब है। बिल्कुल इसी तरह जब जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टर्स, हकीम, वैद्य आपकी मदद करते हैं, और ये मदद की ताकत उनकी जाती नहीं है, अल्लाह की दी हुई है। अगर किसी तबीब या डॉक्टर की जाती ताकत आप मानते हैं तो शिर्क है। जब आपने ये माना कि इसका कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है सब, ये इल्म पढ़ा, ये चीज उसको मिली, अल्लाह ने दी, अल्लाह की अता है। ऐसे ही जब रूह बीमार होती है तो फिर रूहानी डॉक्टर्स के ले जाना पड़ता है। अफसोस तो ये है, ये जिस्म जो सड़ गल जाने वाला है, इसकी उम्र कितनी? जमीन के ऊपर 70 साल, 80 साल, 100 साल, जमीन के अंदर 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, बहुत रात 40 दिन, उसके बाद 3 दिन के बाद फटना शुरू हो जाता, 3 दिन के बाद फटना शुरू हो जाता, रोटनिंग डिस्ट्रक्शन का जो सिस्टम है शुरू हो जाता, खुद ब खुद नर्व्स फटने लगती, खुद ब खुद रूह निकली, निजाम बदल गया। रूह थी तक 100 साल भी हुए तो धक्का नहीं है, जिस्म को ताजा है, बस रूह निकली, निजाम बदल गया, सिस्टम बदल गया। अब यहां से 3 दिन में सड़ जाता है, फट जाता है, बदबू आ जाती, सिवाय उन अल्लाह के बंदों के जिनके जिस्म का रोंगटा रोंगटा रब की याद करता हो। 3 दिन नहीं, 300 साल नहीं, 3000 साल पहले की भी कोई कब्र खोदी जाती है तो ऐसी ही ताजा होती है जैसे अभी दफन करके हटे। रूह से है ताल्लुक जिंदगी का, जिस्म से नहीं, और जिस्म की जिंदगी भी निर्भर करती है रूह पर। द लाइफ ऑफ द बॉडी टोटली डिपेंड्स अपॉन द सोल। पता चला कि स्पिरिचुअल लाइफ इज द अल्टीमेट लाइफ, फाइनल लाइफ, रियल लाइफ, लाइफ इन डीड। लेकिन अफसोस यह है कि वो जिंदगी जो आरजी है उसके लिए कहां कहां भागते, 10 डॉक्टर्स को रेफर करते, उन्होंने समझ में आया उसके जाते, उन्होंने समझ में आया उसके, उन्होंने चले, फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए डॉक्टर्स बदलते गए, जितनी बोलो फीस भी देते, जान की पड़ी ना। अरे बाबा ये जिस्म तो तुम्हारा जाने वाला, जिससे हकीकी जिंदगी का ताल्लुक है वो है रूह। अमराज रूहानी का शिकार होते कभी ख्याल नहीं आता कि इस मर्ज का इलाज क्या है, किससे रुजू होना। और अगर रुजू की बात करें, हाँ शिर्क है, बुजुर्गों करे जाना, औलिया करे जाना, उलमा करे जाना, उनसे मदद तलब करना शिर्क है। फानी जिस्म के लिए सब जायज, रूह की बका उसकी सेहत के लिए औलिया, कामिलीन, आरिफीन। अरे मियां ये दुनिया वाले दुनिया के डॉक्टर हैं, ये रूहानी दुनिया के डॉक्टर हैं, ये जिस्मानी दुनिया के डॉक्टर, ये रूहानी। और ये लोग तो वो है कि अल्लाह ने इन्हें ऐसे ऐसे अख्तियार दिए, वो चाहे तो तुम्हारे जिस्म की बीमारियां भी दूर कर दे, वो चाहे तो जिस्म की बीमारियां भी दूर कर दे। मैंने अर्ज किया ना, कुरान की ये एक आयत मुहित है इस पूरे निजाम पर। हजरत शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के बारे में लिखा है कि ये हजरत गौसुल आजम की करामत से लड़का हुए, पैदाइश में लड़की थे,
सरकार गौसे पाक के पास ये मारूदा किया गया था कि घर औलाद होती है तो नरीना नहीं होती, लड़कियाँ ही पैदा हो रही मुसलसिल। फरमाया जाओ अच्छा आप क्या अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह लड़का होगा। फिर विलादत हुई तो लड़की आके कहने लगे, और सीरत में लिखा है कि उनके वालिद को आपने तलब किया और फरमाया मेरी पुश्त से पुश्त लगा के बैठो, पीठ से पीठ लगा के बैठो। कुछ देर बैठने के बाद फरमाया जाओ, और ये फरमाया कि मैंने अपनी औलाद में से एक लड़का तुम्हें दे दिया। अब जब विलादत हुई तो लड़की आके बोले सरकार आपने तो ऐसा कहा था लड़की है। कहा नहीं जी, जाओ देखो लड़का है। इधर सरकार गौसे पाक की जुबान से निकला, वहां जाके देखे तो लड़का। ये है यरी सुहा इबादियत सालिहून, ऐसा अख्तियार देता देने वाला। है कोई ऐसा तरीका पीठ से पीठ लगा के बैठे तो औलाद से नवाज दे रहे है? बहुत से तरीके हैं आजकल साइंटिफिकली जो लोग जानते हैं, मैं उसकी वजाहत करना नहीं चाहता। बहुत से सिस्टम्स आ गए आर्टिफिशियल जो कुदरती नहीं है, लैब में डेवलप किया जा रहा है फिटस को, लैब में डेवलप किया जा रहा है। यकीनन ये सब जितने गैर फितरी तरीके हैं सब नाजायज, सब नाजायज। हमारी मजलिस उलमा दखन की तरफ से एक वर्कशॉप हुई थी, इस पर खादिमी उसका मुहर्रिक था, मुफ्तियाने किराम उलमा और बाहर से उलमा बुलाए गए थे इस पर बहस करने के लिए। आजकल अखबारात में जो चल रहा है, मुसलमान भी जा रहे हैं, फर्टिलिटी सेंटर्स खुल गए, औलाद नहीं है औलाद की ख्वाहिशमंद है जा रहा है। तो इस पर हमने बहस की थी। खैर वो साइंस कुछ भी कहती हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमको ये मालूम है कि जहाँ साइंस अपनी हार मानती है वहाँ से औलिया के तसरुफात शुरू होते हैं। मेरी मालूमात में एक ऐसा पैर है कि शौहर और बीवी दोनों को टेस्ट के बाद ये कह दिया गया कि आपके हिस्से में औलाद है ही नहीं, आपके हिस्से में औलाद नहीं है। क्रोमोसोम टेस्ट होता है, उसकी फर्टिलिटी देखी जाती है, अकाउंटेबिलिटी देखी जाती है, नंबर देखे जाते हैं, एक अलग सी बहस है। दोनों वायुस ऐसी मेरे जैसे दीवाने के बाद आए बोले हजरत ऐसा ऐसा आए, जाओ जी खाजा कहने जाओ, गरीब नवाज कहने जाओ, मन्नत करो। गए गिड़गिड़ाए रोए पलाए आ गए, वो सरकार अगर औलाद होंगी तो आइंदा साल हम हाजिर होंगे। फिर जाके आए सो तीसरे महीने में इस्तिकरार हमल, वही पैर है, वही शौहर, वही बीवी। साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गोद भर गई, आंगन में फूल खिल गया। अब जाके जिस डॉक्टर से पहले टेस्ट कराए थे उसको रिपोर्ट बताते हैं तो मानने तैयारी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, अरे हम तो जितने पॉसिबल टेस्ट है सब कर लिए भाई। अरे जो तेरे पास इम्पॉसिबल है उनका नहीं पॉसिबल है, कुदरत तेरे टेस्टों की पाबंद है, अल्लाह का वादा है अपने महबूबीन से, ये मांगते हैं हम देते, वादा है। उन्होंने उधर मौला को पुकारा, मौला ये तेरा बंदा सारी दुनिया से मायूस होके तेरे इस बंदे के पास आया, लाज रख ले मेरी। दूसरा केस अभी हालिया ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल के पास जाके आए, बशारा हुआ 7 दिन यहाँ रहो, हर रोज यहाँ की बोली के पानी से गुसल क्या करो और यही पानी पीना। इनफर्टाइल पेयर, शौहर और बीवी दोनों से साइंस ना उम्मीद, डॉक्टर से ना उम्मीद,
रिपोर्ट से कहती है कि अब इन्हें जिंदगी भर कभी औलाद हो नहीं सकती। जाके आए, 7 दिन रहे, 2 महीने नहीं गुजरे, इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी से बदल गई। उनकी बोली के पानी ने वो असर दिखाया, निजाम अंदर का बदल गया। यहां डॉक्टर्स दवाएं देते फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, फायदा हो भी जाता। अल्लाह वालों ने बता दिया दवा की जरूरत नहीं। वो धरती जहां हम सो रहे हैं, उस धरती से उबलने वाले पानी की यह तासीरें, वो पानी में यह तासीरें। अफसोस यह है कि यह सब हम जब चाहते हैं तो जायज मानते हैं, और जैसे ही बात अल्लाह वालों की आती है, शिर्क, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगना। फिर परसों बुखार पड़ से पड़े थे तो डॉक्टर कहने कही गए थे मियां, जब याद नहीं आता, एक धोखा है। अल्लाह वालों से मदद मांगना शिर्क नहीं है, ऐने तौहीद है। ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह की जमात है। हिजबुल शैतान से मदद मत मांगो, जो शैतान का गुरोह है उससे मदद मांगना शिर्क है। रूहानी मसाइल है, अल्लाह वालों से रुजू करो, और वो जो शयातीन की मदद से इलाज करते, इलाज क्या करते, खेल खेलते हमें मालूम है सब। खैर, मुझे बोलना नहीं है कुछ भी। अगर उस गुरोह से ताल्लुक अपना जोड़ते हो जिसका ताल्लुक शैतानी ताकतों से, तागूती ताकतों से है, वो शिर्क है। अल्लाह वालों से मदद मांगना शिर्क नहीं। अल्लाह ने अपने इन बंदों को वो इख्तियार दिए। इंशाल्लाह आइंदा गुफ्तगू जब होगी, कोशिश करूँगा कि कुछ मज़ीद इस सिलसिले में वजाहतें हो सको। बहुत गलत फहमियाँ हैं और इसको इस अंदाज से पेश किया जा रहा है, हर कसो नाकस के जहन में ये बात बिठाई जाती है। अहले सुन्नत इनका कहा है था, अब हमारे बाबा दादा मुशरिक थे, बेटे साहब जमात में शरीक हुए सो 8 दिन में बोली बदल जाती। सबसे पहले अम्मा बाबा पे वार, उनकी वजह से दुनिया में आए ना, अम्मा बाबा दोनों मुशरिक थे। अल्लाह क्या कर रहे की खबर में उनके साथ, अल्लाह फजल करे भाई, सब शिर्क करे, दरगाहों को जाते थे, बुजुर्गों को जाते थे, मुशरिक थे हजरत, मुशरिक थे। सुभान अल्लाह, इसी दिन के लिए दुनिया में आए थे आप लायक बेटे, क्या सबसे पहले अपने माँ बाप को मुशरिक कहा। माशाल्लाह, क्या लायक औलाद, माँ बाप की रूह कितना खुश हो रही होगी कब्र में, क्या जिसको पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया लायक बनाया, जिंदगी का चैन सुकून जिसके लिए हराम किया, आज वो हमें शिर्क का फतवा देता है। बेस बुनियाद गैरुल्लाह से मदद मांगते थे। यूसुफ बाबा शरीफ की दरगाह को जाते थे, बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह को जाते थे, अब्दुल्ला शाह साहब कहीं जाके बैठते थे, इसलिए मुशरिक। जिसको अल्लाह बोल रहा ये मेरे लोग हैं, अल्लाह वालों कहने के तो शिर्क होता है, अल्लाह से कट जाते हैं, और इन्हों शयातीन खबीसों के साथ बैठते हैं तो वो तौहीद है, वो तौहीद है। अल्लाह अक्ल सलीम अता करे मुसलमानों को, अल्लाह हमारे अकायद की हिफाजत फरमाए, मौला अपने करम से हमको सिरात मुस्तकीम पर गामजन रख, हक को हक की हैसियत से दिखला, उसे कबूल करने की तौफीक अता फरमा, और बातिल बातिल की हैसियत से हमारे सामने आए और मौला उससे इज्तनाब की तौफीक अता फरमा। करम फरमा हम सबको सिरात मुस्तकीम पर, तेरे महबूबीन के नक्शे कदम पर, तेरे महबूबीन के मसलक पर जिंदा रख, और इसी मसलक पे हमारी मौत हो, खात्मा हो, ताकि कल रोज़े महशर हमारा शुमार तेरे महबूब औलिया किराम के दामन से वाबस्ता लोगों में हो। बिजाई सैयद मुरसलीन वाली तैयबी ताहिरीन अबू साहिब अजमईन व बि महबूबिका सैयद मुइनुद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु सुभान रब्बिकल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
मैं जुमा अदा करके आया हूँ, इसलिए रुख्सत। अस्सलाम मालिक राम।